नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्त्री मनमर्जी है और अमला पगला दीवाना 3 के अब तक के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं इन तीनों फिल्मों ने अब तक कितने करोड़ का कारोबार कर लिया है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अभिषेक बच्चन, विक्की कौशल और तापसी पन्नू ने स्टारर फिल्म मनमर्जी है के 2 दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों अनुराग कश्यप के डायरेक्टेड फिल्म मनमर्जिया को पब्लिक की तरफ से काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म को रिव्यू पब्लिक और क्रिटिक्स दोनों की तरफ से बढ़िया मिले, इसी के कारण इस फिल्म ने 2 दिन में अच्छा खासा कारोबार कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इस फिल्म ने अपने पहले दिन कमाए थे लगभग 4.5 करोड़ रुपये, वहीं दूसरे दिन इस फिल्म का कलेक्शन रहा लगभग 5 करोड़ 55 लाख रुपये। इसी के साथ इस फिल्म का जो 2 दिन का कलेक्शन है वो हो चुका है 10 करोड़ रुपये। तो चलिए दोस्तों आप बात करते हैं स्त्री के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की फिल्म स्त्री ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इस फिल्म ने अपने पहले वीक में यानी पहले सप्ताह में कमाए थे लगभग 60 करोड़ रुपए, वही दूसरे हफ्ते में इस फिल्म की कमाई रही 34 करोड़ रुपए। और बात करें इस फिल्म के तीसरे हफ्ते के कलेक्शन के बारे में, तो इस फिल्म ने अपने तीसरे हफ्ते में कदम रखते ही शुक्रवार को कमाया लगभग 4 करोड़ रुपए, वही शनिवार को इस फिल्म की कमाई रही लगभग 5.5 करोड़ रुपए। इसी के साथ इस फिल्म का जो अब तक का टोटल कलेक्शन है वो हो चुका है लगभग 102 करोड़ रुपए। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अमला पगला दीवाना 3 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों सुपरस्टार धर्मेंद्र सर, सनी देओल और बॉबी देओल स्टारर फिल्म अमला पगला दीवाना जो कि एक कॉमेडी मूवी थी, हालांकि फिल्म से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लगा जा रही थी कि देओल परिवार एक साथ आए तो फिर इस बार बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा धमाल मचाने वाले हैं, लेकिन दोस्तों फिल्म उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी और फिल्म को ज़्यादा पब्लिक पसंद नहीं कर पाई। लेकिन दोस्तों निगेटिव रिव्यू मिलने के बावजूद भी फिल्म ने ठीक ठाक कलेक्शन कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें फिल्म अब थिएटरों से लगभग उतर चुकी है, कुछ सेलेक्टेड थिएटर में फिल्म चल भी रही है, लेकिन जो इस फिल्म का टोटल कलेक्शन हम कह सकते हैं वो हो चुका है लगभग 24 करोड़ रुपए। आपको बता दें इस फिल्म का जो बजट था वो काफ़ी कम था, क्योंकि फिल्म में जो कुछ भी स्टार कास्ट थे वो सिर्फ एक ही परिवार के थे और उन्होंने फिल्म की कोई फीस ली नहीं थी। आपको बता दें इस फिल्म का जो बजट था वो लगभग 18 करोड़ रुपये बताया जा रहा है और इस फिल्म का जो कलेक्शन हुआ है वो है 24 करोड़ रुपये। तो एक तरीके से फिल्म फ्लॉप की कैटेगरी में नहीं आती, एक तरह से फिल्म हिट ही कहलाएगी। तो दोस्तों इस फिल्म का जो अब तक का टोटल कलेक्शन कह दें हम तो ज़्यादा से ज़्यादा 25 करोड़ तक ये फिल्म जा पाएगी। तो दोस्तों ये था ये सभी तीनों फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। अब आपने इनमें से कौन कौन सी फिल्म देखी और आपको सबसे अच्छी फिल्म कौन सी लगी, स्त्री मनमर्जिया या फिर अमला पगला दीवाना 3? अपनी पसंद की फिल्म हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ बॉक्स ऑफिस और साउथ के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।